तो क्या लग रहा है सर आपको, जेडीएस किस तरह मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए क्या कोशिश यहाँ पर हो रही है जेडीएस की जानिब से? हम उनसे अपील करते हैं कि सेक्युलर वोट को डिवाइड ना करें। हमारी लड़ाई या उनकी भी अगर लड़ाई है सेक्युलरिज्म पे, तो हमारी लड़ाई है कमजोर फोर्सेज के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ। कि जेडीएस ने जो है ऑलरेडी हांगल के लिए मुस्लिम कैंडिडेट का नाम ऐलान कर दिया है, तो क्या लग रहा है सर आपको, जेडीएस किस तरह मुसलमानों को आगे बढ़ाने की क्या कोशिश यहाँ पर हो रही है जेडीएस की जानिब से? जिस तरह ये हम उनसे अपील करते हैं कि सेक्युलर वोट को डिवाइड ना करें, हमारी लड़ाई या उनकी भी अगर लड़ाई है सेक्युलरिज्म पे, तो हमारी लड़ाई है कमजोर फोर्सेस के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ। उन्होंने बसपा कल्याण में भी एक माइनॉरिटी कैंडिडेट उतारा था, इसलिए हमें वहाँ हारना पड़ा। तो अब यहाँ ऑफिशियली मालूम नहीं, उन्होंने तो अनाउंस किया है लेकिन अभी डेट, इलेक्शन डेट भी अनाउंस नहीं हुआ है हानगल का। लेकिन अभी सुनने में आया कि कोई जीडीएस के माइनॉरिटी कैंडिडेट को उन्होंने, बट ऑफिशियली अभी मालूम नहीं है, लेकिन अखबारों में आया कि वो एक माइनॉरिटी दे सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि सेक्युलर वोट्स ना डिवाइड हो, और आज लोग बीजेपी से बड़े नाराज़ हैं, चाहे सेंटर में हो या स्टेट में हो। सेंटर गवर्नमेंट में जो वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं किए, और स्टेट में भी जो गवर्नमेंट बनी ऑपरेशन ट्रोटर्स के माध्यम से, तो वो भी जो है आज लड़ाई लड़ रहे हैं, सुबह शाम सीएम पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं, मिनिस्टर के लिए लड़ रहे हैं, और कोरोना की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो लोग आज नाराज़ हैं। आने वाले दिनों में 223 जब आने वाले इलेक्शंस है, इसमें लोग चाहते हैं कांग्रेस वापस हुकूमत में आए। कांग्रेस हुकूमत में आए और आपकी पार्टी में बड़ा जोश देखने को मिल रहा है, सीएम कौन होगा क्या होगा इस पर बहस हो रही है, खूब बहस हो रही है, तो आपकी क्या राय है सर, चीफ मिनिस्टर कौन होना चाहिए? कांग्रेस पार्टी यूनाइटेड है, यूनाइटेड रहेगी, और यूनाइटेड हम फाइट करेंगे। पहले हम सरकार बनाएंगे, उसके बाद इसके बारे में विचार करेंगे। तो ऐसे कोई ये नहीं है सर ओपिनियन, ये इट इज लेफ्ट टू द पार्टी हाई कमांड एंड जो लेजिस्लेटर्स चुनाव के बाद होते हैं ना, उनसे डिस्कस करके डिसीजन होगा। डिसीजन लेस विद द पार्टी हाई कमांड, ये हमारा पार्टी का पहले से कल्चर। जेडीएस पार्टी में हांगल असेंबली जो जहाँ पर बाई इलेक्शन होंगे वहाँ के लिए मुस्लिम कैंडिडेट का नाम ऐलान कर चुके हैं, तो इस सिलसिले में क्या करें? सिंदगी का भी जो है कहा जा रहा है कि वहाँ भी मुस्लिम कैंडिडेट उतार रही है जेडीएस पार्टी, यानी कि बसों कल्याण में जिस तरह आपके उम्मीदवारों को उन्होंने हराया मुस्लिम कैंडिडेट उतार कर, क्या यही मकसद है उनका? मकसद तो साफ है कि कुमार स्वामी जहाँ भी मुस्लिम कैंडिडेट को डालेंगे वहाँ कांग्रेस को हराने के लिए डालेंगे। इसलिए कि सब लोग जानते हैं कि सारे स्टेट में मुस्लिम्स कांग्रेस को ही वोट करते हैं, और इन वोटों को तोड़ने के लिए बीजेपी को इनडायरेक्टली सपोर्ट करने के लिए ये इनका मकसद है। हांगल और शिगांव दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट में थे, नहीं शिगांव में हम कांग्रेस से एक मुसलमान को देते आए हुए हैं, और हांगल में भी वहाँ कंसिडरेबल नंबर ऑफ मुस्लिम्स हैं, नियरली 45,000 या 50,000 है, पर उनसे भी ज़्यादा दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं। तो हांगल हम पिछली बार भी हारे थे, और इस बार पार्टी हाईकमांड डिसीशन लेगी कि किसको सीट देना, वहाँ जिताने की कोशिश तो हमारी रहेगी और ज़रूर जिताएंगे हांगल और सिंध की दोनों जगह पर। और आप जानते हैं कि बसवा कल्याण वहाँ पर पे भी एक मुसलमान कैंडिडेट जो बिदर से थे, और मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, जो बिदर से थे ला करके बसवा कल्याण में खड़ा, और कांग्रेस को धक्का पहुँचाने की उनकी कोशिश है, और इस बार ऐसा हम उन्हें नहीं देंगे।